बारूद जिस्म में नमक की तरह घुल रहा था, लाल रक्त से वतन की मिट्टी को धुल रहा था, घुसी थी गोलियां भी जिस्म में और निहत्ता ही दुश्मनों से लड़ रहा था। धमाके में कटा पांव उसके समक्ष पड़ा था, असहनीय पीड़ा में भी वो सीना ताने खड़ा था। बारूद की सुरंग बिछाकर भी खौफ ज़दा था दुश्मन, एक एक शूरवीर ऐसे बेखौफ लड़ा था। सूजी आंख के निशाने पर टूटी उंगलियां गोली दाग रही थी, सूजी आंख के निशाने पर टूटी उंगलियां गोली दाग रही थी, लड़खड़ाते पीठ दिखाकर दुश्मन की टोलियां भाग रही थी। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह धैया की, जिन्होंने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अद्भुत पराक्रम एवं अदम्य साहस का परिचय दिया तथा दुश्मन को पराजित कर शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाला के मोर्चे पर विजय प्राप्त की। गांव सिसाना की इस पावन धरा पर 5 मई 1936 के दिन कर्नल होशियार सिंह दहिया ने जन्म लिया चौधरी हीरा सिंह और श्रीमती मथुरी देवी के घर में। वॉलीबॉल के वो बहुत तगड़े प्लेयर थे, फिर वो थर्ड ग्रेनेडियर में चले गए ऑफिसर बन के। उसके बाद फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होगी, फिर वो उस टाइम वार के टाइम 71 में मेजर साहब थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बसंतर की लड़ाई का बड़ा योगदान था। बसंतर की लड़ाई में एक टुकड़ी का नेतृत्व मेजर होशियार सिंह कर रहे थे। मेजर होशियार सिंह को पाकिस्तानी इलाके में स्थित जरपाल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। दुश्मन की संख्या पर ध्यान न देकर उन्होंने अपनी कंपनी के साथ मिलकर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने टैंकों के जरिए उनकी कंपनी पर भारी गोले बरसाए। इसमें होशियार सिंह की कंपनी के कुछ सैनिक बुरी तरह घायल हो गए थे। खुद काफी घायल होने के बाद भी मेजर होशियार सिंह इन सब से बेपरवाह थे और लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। मेजर को इस तरह देखकर उनके सैनिकों में भी जोश भर गया और उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग और तेज कर दी। हमले से परेशान पाकिस्तानी सेना अपने पीछे 85 साथियों की लाशें छोड़कर भाग खड़ी हुई। हमला खत्म हो गया था। जरपाल पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा था। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सीज फायर की घोषणा होने तक अपनी पोस्ट से हटने से इनकार कर दिया। मैं भी इस वीर के पद चिन्हों पर चलकर अपनी मातृभूमि की सेवा और सुरक्षा करना चाहता हूँ।